और अगर लखिया दादा ने कुछ देखे ही ना हो तो लखिया दादा आंख पे पट्टी बांध लेगा क्या? काशी क्या भाया, लखिया दादा की आंख पे पट्टी बांध दे। अब क्या कहते हो लखिया दादा? अरे किससे बात कर रहे हो, लखिया दादा ने ना कुछ देखा ना सुना। चलो जी। चलो काशी। मैंने दूर से गाड़ी देख ली थी, वह कम वक्त हमने देख लेता तो सहमत आ गई थी। ठीक बोलो भाया, ये मजलो है ना? अरे वही देवन ठाकुर, कहने को तो ठाकुर का पूत है, पर लेन देन में किसी कंजूस बाणिए से कम नहीं। विजो जी, जल्दी से मेरे कपड़े दो, मुझे पूजा के लिए जाना है। कपड़े तो कब से तैयार करके रखे हुए हैं, और नहाने का पानी भी। पा साहब ने आपका बहुत इंतजार किया, उनका कोई भी बेटा विजयदशमी की पूजा में उनके साथ नहीं गया, वो बहुत गुस्से में थे। क्यों, विक्रम भैया नहीं गए? वो शिकार से ही कब लौटे? युवराज जो है खेल ही तो खेलेंगे, काम काज के लिए हम जो ठहरे, और अब तो उनका छोटी जात का दोस्त सुमेर भी आ गया है। सुमेर, चल देख के जागते। हेलो इसे। अरे ये किस लिए हंस रही है इतना? ऐसे ही सोच आ गई कि विकी और सुमेर दो शेरों ने मिलकर मारा तो क्या मारा, एक जंगली सुअर। ब्लडी वेल। अरे सुमेर और विकी मिल जावे ना तो मौत को भी मार लें। बात बढ़िया की तूने, पर ये नहीं भूलना कि मौत हमेशा जिंदगी पर भारी है। और तू भी याद रखना विक्की, दोस्ती हमेशा मौत पे भारी पड़े। हाँ सुमेर, बात तो ठीक है, दोस्त मर जाते हैं दोस्ती नहीं। विक्की एक को तो मार लिया, ये लोग कह रहे थे एक और भी है यहीं कहीं, चलो दूसरे साले को भी ढूंढते हैं। हाय हाय, तू कहाँ चल दिया? मन ने मेरा शिकार मिल गया विक्की। क्या? तू नहीं सुधरेगा। मन ने कहा जी ए जी जी दिद्दे फाड़ फाड़ करके देख रही है जी। गुस्सा मत कहियो, मैं तन्ने को ना देख रहा हूँ, मैं तो ऊंटने देख रहा हूँ कितना नसीब वाला है, कितना खूबसूरत बोझा ढोए। तू ढोएगा? अरे क्यों ना ढोएगा, तू बल्लेगी तो ढोएगा, जरूर ढोएगा। कब तक? हाय जब तक तू बोलेगी ढोता ही रहूंगा, ढोता ही रहूंगा। जन्म जन्म तक? जन्म जन्म की बात कौन जाने, आज की बात करना। तो जा रास्ता पकड़। मेरा रास्ता तो तेरे रास्ते के साथ साथ ही जावे है।
देख मैं तन्ने अच्छी तरह जानू हूँ, तू फौजी सुमेर सिंह है ना? अरे फौजी तो मैं दुश्मनों के वास्ते हूँ, अपनों के लिए तो मैं सुमेर हूँ, सुमेर सिंह। देख चुपचाप यहाँ से चला जा, मैं अकेली कौन है, मारा भाई आता ही होगा। वो देख आ गया हमारा भाई। आपस की बात में भाई को डालने की क्या जरूरत है, चल भाई यहाँ दाल गलने में टाइम लगे। कौन है तू? कौन है छोटे भाई, रास्ता पूछ रहा था। कौन है ये? सुमेर सिंह अपनी बस्ती का। अरे यार मेरे लड़की मन दी नजरिया में शिकार समझ के लपक लिए थे। अरे कंबख्त जन्म जन्मांतर की बात करने लगी। मैंने कहा हाँ, मन ने कहा हर लड़की ऐसी बात करे, आज की बात करनी है कर। बोले जा जा, मैंने कहा तू भी जा जा, पर है अपने गांव खेड़े की छोड़ने वाला मैं भी नहीं। समीर सिंह है ना? अरे विकी मैं तो भूल ही गया, क्या हुआ? आज पूजा है और ठाकुर साहब इंतजार कर रहे हैं। अरे मर गए। सुमेर मैं तुझे पूजा के बाद मिलूंगा। हाँ मैं चलता हूँ, चल चल जल्दी चल। जी देवी माँ की पूजा करके आ रहे हो, अब जाओ अपनी माँ का आशीर्वाद भी ले लो। जी आओ आओ सरपंच जी, आओ बैठो। देवन को बुलाओ। आओ देवन, सरपंच जी आए हैं, बैठो बैठो बैठो। और कहिए सरपंच जी, जयपुर होकर आए हो, क्या खबर है? खबर के होगी हुकुम, सब खादी टोपियां वाले कुर्सियां पर नजर लगाए बैठे हैं। अंग्रेजी सरकार जाने की तैयारी में है। अंग्रेज जाएंगे तो हम जमींदारों और जागीरदारों को भी फर्क तो पड़ेगा। बासाद मैंने सरपंच जी को इसलिए बुलाया था कि हमारी आमदनी गिरती जा रही है। सरपंच जी कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे ही किसान अनाज चोरी करके सीमा पार बेच रहे हों? राम 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 राम, लखिया दादा के उत्तवे। सुमेर तुम देवन के साथ बैठो, मैं बासाब को देखता हूं। सुमेर नमस्कार ठाकुर साहब। कहो कैसे हो? बस ऊपर वाले की दया है, आपका आशीर्वाद। जीते रहो बैठो बैठो बैठो। जी जी नहीं ठाकुर साहब, फौजी आदमी ना जरा टेंशन रहने की आदत हो गई है। अरे वाह फौजी जवान, अब तो घर पे हो, एट ईज हो जाओ, चलो बैठ बैठ ना। विकी बेटे आपका दोस्त बहुत समझदार है। अरे वाह आखिर दोस्त किसका है बासाब। अभी कुछ रोज रुकोगे? जाना कहाँ है, डिसमिस। क्या मतलब? वो जी क्या है, जंग खत्म हो गया, फौज हमसे तंग आ गई, हम फौज से तंग आ गए, ब्लडी भैला, बस अपना गांव अपना यार। हाँ घर जैसी कोई चीज नहीं है सुमेर, अब यहाँ रहकर क्या करने का इरादा है? जी मेहनती आदमी है, ब्लडी वेल कुछ ना कुछ काम कर ही लेंगे। ये तो सच है, लेकिन विकी का साथ रहा तो हो चुकी मेहनत। क्या क्या बात साहब, इसने अगर रोकने की कोशिश की ठाकुर साहब तो पिट्ठू परेड करा दूंगा, वो भी डबल। माँ से मिले आज्ञा हो तो दर्शन करो माँ जी के। हाँ हाँ जरूर, चल ले जा। क्षमा करना बात साहब, पर आप उस छोटी जात के आदमी को कहाँ बिठा रहे थे, हमारी बराबरी में या नीचे जमीन पर? देवन चौधरी सुमेर सिंह बहुत समझदार लड़का है, वो हमारी बहुत इज्जत करता है, इसलिए वो हमारी बराबरी में बैठा नहीं, और जमीन पर बैठकर उसने अपनी आन पर आंच नहीं आने दी। बहुत ही समझदार। सुमेर अच्छे तो रहे ना? बिल्कुल प्रसन्न रहा जी मैं। चल चलें। कहाँ कहाँ जा रही है जोड़ी? माँ वो क्या है, इतने सालों से इसने पाठ किया नहीं, बिगड़ गया है, इससे मैं गीता का प्रवचन सुनाने ले जा रहा हूँ। गीता का? गीता? अच्छा अच्छा गीता का। माँ जी कान तरस गए थे गीता का प्रवचन सुनने के लिए, और वहाँ आर्मी में गीता का प्रवचन सुनने को कहाँ मिलता है। आज जैसे ने कहा कि गीता का प्रवचन है, मैंने कहा चलेंगे, जरूर चलेंगे। बोलो भाइयों क्या करना है,
जमींदार को लगान देना है कि नहीं? खामोश! ये क्या बकवास है, क्या बदतमीजी है? किसी शरीफ आदमी को सोने भी नहीं देते। चले जाओ यहां से, जाओ। ठाकुर, निंदर इतनी प्यारी है तो मेला में जाके सो, हम नहीं जाएंगे। अरे वाह, क्या बोला? हम नहीं जाएंगे। क्या बोला? ब्लडी वेल। जरा फिर से बोल। विकी, तू क्या करने लगा? जान दे यार। ठाकुर विक्रम सिंह को सुअर नजर आ गया सुमेर। क्या बोला, फिर से बोल। तू बावड़ा हो गया के? विक्की के गुस्से ना जाने, गोली मार देगा। तो अपना नहीं तो अपने घर वालों को तो ख्याल कर कुछ। जा घर जा अपने। अच्छा ठाकुर, हम चले जाते हैं। रुक जा, ठीक है, तुम अपनी मीटिंग कर लो, हम जा रहे हैं। देखो भाइयों, मीटिंग वीटिंग तो कर लो तुम, लेकिन इसको जरा समझा के रखना। बावले हैं ये लोग, माथा अकल तो इनके पास है नहीं। इनको क्या मालूम तेरा दिल सोने का है। एक दिन सुसुरों को दिल निकाल के दिखाना ही पड़ेगा, मन ने तो यूं लागे। चला।